हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। पीपीगंज में गुरु गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, कहा इस केंद्र से किसानों की आय होगी दोगुनी। सहजनवा के विधायक शीतल पांडे और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने रोजगार मेले में आए बेरोजगार युवक युवतियों को भेंट किया नियुक्ति पत्र। मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आशा कार्यकर्त्रियों ने कचहरी चौक पर लगाया जाम, सीएम से मुलाकात करने के आश्वासन पर खुला जाम। 5 ट्रक ड्राइवर और 4 खलासी हुए जहरखुरानी का शिकार, लाखों रुपए लेकर जहरखुरान हुए फरार। पूर्वांचल बैंक सेवा निर्वृत्त कल्याण समिति एवं पूर्वांचल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन तथा एम्प्लाइज एसोसिएशन ने विजय उत्सव के रूप में मनाया अपना पहला अधिवेशन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में लगे 2 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का हुआ समापन। उत्तर प्रदेश के सेवा योजना निदेशक प्रांजल यादव ने कहा जल्द ही यहां के बेरोजगारों के लिए बहुत सारी रोजगार लेकर आएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में बीकॉम संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को विभिन्न केंद्रों पर हुई आयोजित, कुल 702 अभ्यर्थियों ने छोड़ा परीक्षा। रोजगार मेले में उमड़ी बेरोजगारों की भीड़, पल पल का जायजा लेते रहे डीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस बचाव के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन।